तो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से वो भी सूर्यवंशी के 35 डेज के ट्रेड कलेक्शंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड कलेक्शंस सामने आ चुके हैं। ऑफिशियल ट्रेड कलेक्शंस 5 हफ्तों का बताने वाला हूँ। 35 दिन तक ये फिल्म चल रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और पांचवें वीक में तो OTT पर ही फिल्म आ गई थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म चल रही है, ये अपने आप एक बड़ी बात है। पहले हफ्ते में फिल्म ने 120.36 करोड़ का कमाई किया था, 120.36 करोड़। दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 45.60 करोड़ की कमाई की थी 45 करोड़ के ऊपर। तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 18.79 करोड़ की कमाई की थी, लगभग 19 करोड़। चौथे हफ्ते में 6.45 करोड़, लगभग 6.5 करोड़ की कमाई की थी। और पांचवें हफ्ते में फ्राइडे को, यानी कि जो इसका 29वां दिन था, उसने कलेक्शन हुआ था 35 लाख। सैटरडे को हुआ था 65 लाख 65 लाख। संडे को हुआ था 90 लाख। 32 डे यानी कि मंडे को हुआ था 25 लाख। ट्यूजडे को हुआ था 25 लाख। वेनसडे को हुआ था 25 लाख। और 35वें दिन यानी कि गुरुवार को, 35th डे को, यानी कि इसका कलेक्शन हुआ है कल 20 लाख। और टोटल पांचवें हफ्ते में इसने 2.85 करोड़ का कमाई किया है पांचवें हफ्ते में। और करीबन 50-55% का ड्रॉप लिया है चौथे हफ्ते के हिसाब से कंपेयर करें तो। और टोटल कलेक्शन का हो चुका है 194.05 करोड़। ट्रेड का जो कलेक्शन है 194.5 लाख है, 194.5 लाख है। और सेम कलेक्शन या आसपास कलेक्शंस प्रोड्यूसर्स का भी होगा, अगर उससे कलेक्शन आएंगे तो मैं जरूर रिपोर्ट बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल यही कहूंगा कि सूर्यवंशी फिल्म तबाही मचा रही है। OTT पर आने के बावजूद इस फिल्म ने लगभग 3 करोड़ के आसपास की कमाई की है, वो भी अपने पांचवें हफ्ते। ये अपने आप में मेरे को लगता है किसी भी फिल्म का रिकॉर्ड होगा पोस्ट पेंडेमिक या प्री पेंडेमिक। आपकी क्या राय जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लव यू ऑल, बाय।